हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज है सैटरडे का दिन और सैटरडे के दिन हम बात करेंगे अपनी बोनस पिक की। और बोनस पिक के अंदर मैं जिस शेयर को लेकर आया हूँ, वहाँ आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि किस हिसाब से इस शेयर के अंदर 5 साल की होल्डिंग पे अगर आपने होल्ड किया हो ये शेयर पेशेंस के हिसाब से, तो किस हिसाब से 1673% तक के रिटर्न देता हुआ ये इस समय दिखाई दे रहा है। और काफ़ी तेज़ी इस शेयर के अंदर बनी हुई है लगातार। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे मल्टी बैगर स्पेशलिटी केमिकल के शेयर की, जिसका प्राइस अगर आप देखें तो ये इसका प्राइस है 2018 के अंदर 100 रुपीज़ का। और उसके बाद ये कंटिन्यूसली, ये वो टाइम है जब आप देखेंगे कोविड का टाइम आया था, वहाँ पर भी ये शेयर 150 की रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। और उसके बाद से जो दम इस शेयर ने भरा है वो डेफिनेटली काबिले तारीफ़ है। इस शेयर के अंदर आशीष कचोलिया जी की बहुत बढ़िया होल्डिंग है। इसने अपना जो हाई है वो लगभग 1962 का यहाँ बनाया है, 22 फरवरी को 2022 के अंदर 4 फरवरी के मंथ में। और उसके बाद 1965 का फिर से मार्च के महीने में इन्होंने अपना हाई बनाया। और एकदम गिरावट जो मार्केट के अंदर देखेंगे जून जुलाई के महीने में आती हुई नज़र आई, 1309 रुपये का लो बनाने के बाद ये फिर से अपनी फुर्ती दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि अभी ये चल रहा है आपका 1789 रुपीज़ पर। और जिस हिसाब से पिछले 5 साल के चार्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ी मजबूती इस शेयर के अंदर आती हुई नज़र आ रही है। आशीष कचोलिया जी ने इस शेयर के अंदर बहुत बड़ी होल्डिंग को बना के रखा हुआ है। उन्होंने फिर से इस लास्ट क्वार्टर के अंदर भी इस शेयर के अंदर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। मैं बात कर रहा हूँ ESO इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्पेशलिटी केमिकल का वो शेयर, जिसके अंदर हम फर्दर विस्तार से बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये आपको आने वाले टाइम में भी इसी हिसाब से रफ्तार दिखा सकता है। ESO इंडस्ट्रीज़ की वेबसाइट, एक बार आप वेबसाइट ज़रूर विजिट किया कीजिए। और अगर मैं आपको बताऊं, किसी भी कंपनी का अगर आप शेयर ले रहे हैं तो रिसर्च बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च के शेयर लेना, आप समझिएगा कि उस हिसाब से पैसे को लगा देना है कि आपने कमाई ना हो। कमाए हुए पैसे को ज़ोरदार इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। और रिसर्च के लिए मेरा चैनल आपके लिए हमेशा तैयार है। मैं वही चैनल और वही स्टॉक्स के ऊपर खबर बनाता हूँ या अपनी न्यूज़ निकालता हूँ, जिनके ऊपर आपको आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया दमदार रिटर्न मिलने वाले हैं। यानी कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के ऊपर अगर आपको वीडियो देखनी है तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। यहाँ हम बात करेंगे ग्लोबल मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ स्पेशलिटी केमिकल एंड फाइन केमिकल्स, यानी कि ESO इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की, जो पहली लाइन में ही सब कुछ कह देता है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर, यानी कि पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चर और सप्लाई करने वाला केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल का शेयर। और यही रीज़न है कि जिस हिसाब से ये शेयर भाग रहा है उसी हिसाब से इसके जो रिटर्न है और जिसने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है उनके शेयर भी, और पोर्टफोलियो के अंदर जो रफ्तार ग्रीन दिखाई दे रही है, वही रीज़न है कि इस समय काफ़ी बढ़िया शेयर के अंदर रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक टाइम पर 100 रुपये का शेयर आज की डेट में अगर आपने होल्ड किया होता तो 1700, 1800 और 1919 का लेवल जिस हिसाब से इस शेयर ने दिखाया है डेफिनेटली काफ़ी तारीफ है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये ESO इंडस्ट्रीज़ का ग्राफ है, जिसके अंदर अगर आप देखें अरोमा केमिकल्स, फूड एंटी ऑक्सीडेंट्स, रबर केमिकल्स, लुब्रिकेंट एडिटिव्स, प्री डिस्प्रेस्ड एंड स्पेशलिटी केमिकल, यानी कि कंपनी का ये जो ग्राफ है वो चारों तरफ काम करता हुआ दिखाई देता है ESO वर्ल्ड वाइड। और जिसकी जैसी डिमांड है कंपनी वैसा प्रोडक्ट बनाती हुई दिखाई दे रही है। और यही रीज़न है कि इस समय ये कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ बनाते हुए मार्केट के अंदर भागती हुई नज़र आ रही है। यहाँ अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर ग्रोथ बनी हुई है। उसको मैं आपको दिखाऊंगा एक्सेल के ऊपर किस हिसाब से इसका जो फाइनेंशियली डाटा है वो आपको अट्रैक्टिव करता हुआ नज़र आएगा, जहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे शेयर काफ़ी टाइम से बढ़िया रिटर्न देता हुआ क्वार्टरली बाई क्वार्टरली ऊपर की तरफ भागता हुआ नज़र आ रहा। और जिस हिसाब से इसकी R&D इस समय बनती हुई दिखाई दे रही है और ग्लोबल रिसर्च, ग्लोबल प्रेजेंस, ग्लोबल बिजनेस, और यही थीम है कि किस हिसाब से कंपनी अपना काम करते हुए पूरी की पूरी दुनिया के अंदर गुजरात से अपना माल सप्लाई करती हुई अपनी डेप्थ और देश का नाम रोशन करते हुए कंपनी अपने अपने देश का और अपने इन्वेस्टर का सबका पैसा बढ़ा रही है।
हज़ार करोड़ की मार्केट कैप है, 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 650 रुपये का इसका लो है, 2099 का इसका हाई है और 1789 पर इस समय चलता हुआ नज़र आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 41% से ज़्यादा की है और यही रीज़न है कि शेयर के अंदर धूम मचा के रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसने प्रीवियसली काफ़ी बढ़िया ऊंचाई पर अपने आप को उछाला था और उसके बाद से एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको जून जुलाई महीने के अंदर मिलती हुई नज़र आई और अगर आपने माल भर लिया है तो डेफिनेटली चुपचाप बैठे रहिएगा, शेयर बहुत लंबा जाने वाला है। यहाँ 5 साल के अंदर काफ़ी बढ़िया रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर मैं बताऊँ तो कंपनी 8वें नंबर पर आती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ क्वार्टरली रिटर्न की बात देखें तो कंटिन्यूसली शेयर के अंदर जिस हिसाब से ग्रोथ है, आप ये समझ लीजिएगा कि ये शेयर आपको लंबे टाइम तक होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके कुछ पैसा बनेगा, क्योंकि शेयर के अंदर बहुत दम है। जिस हिसाब से रिटर्न इस हिसाब से दिखाई दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा कि शेयर के अंदर अभी बहुत लंबी चाल बाकी है। यहाँ पर ईयरली बाई ईयरली परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर भी ग्रोथ दमदार है। आपको किस हिसाब से नंबर दिखाई दे रहे हैं उसी हिसाब से शेयर की स्पीड भी दिखाई दे रही होगी। 2 करोड़ से आज कंपनी 62 करोड़ पर आती हुई नज़र आ रही है नेट प्रॉफिट के मामले में, और जिस हिसाब से ग्लोबल प्रेजेंस इस कंपनी की है, आप समझिएगा कि बड़े बड़े धुरंधर इस कंपनी के पीछे पड़े हुए हैं। और यही रीज़न है कि आशीष कचोली जी लगातार इस शेयर के ऊपर अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं और कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ाते जा रहे हैं। यानी कि लंबी ग्रोथ के घोड़े के रूप में अगर आप देखें तो शेयर के अंदर बहुत दमखम है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। सारा का सारा प्रमोटर और पब्लिक के पास माल बैठा हुआ है और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो किसी डीआई और एफआईआई की बात करें तो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट इनकी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है और कंपनी बहुत अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए कंपनी के रिटर्न भी बहुत दमदार है। कुछ सेलिब्रिटी की बात करें तो आशीष कचोलिया जी और डोली खन्ना जी का नाम आता है, जिन्होंने इस शेयर के अंदर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट को बना के रखा है। और वहीं आप आशीष कचोलिया जी को देखें तो लगातार अपनी होल्डिंग को बनाते दिखाई दे रहे हैं।